हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारा ब्रेन हमारा बेस्ट डॉक्टर है। आज मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि अमेरिका के बहुत ही बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं। जब वो पीएचडी कर रहे थे और अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे न्यूरो साइंस में, तो उस टाइम वो एक बार एक एक्सपेडिशन में गए जहाँ पे वो साइकिल पे एक जगह जा रहे थे, हाइकिंग कर रहे थे, बाइकिंग कर रहे थे, और वहाँ पे उनका एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनकी पूरी स्पाइन कंप्रेस हो गई, सर्वाइकल से नीचे बैक तक कंप्रेशन ऑफ स्पाइन ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप कभी चल नहीं सकोगे। एंड दिस वॉज वेरी ट्रोमैटिक फॉर हिम। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि हम आपका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद आप व्हील चेयर पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकोगे। बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा। सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा घर गए और सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मैं पैदा हो रहा था, जब मैं माँ के वूम में था, एक फीटस था, तो हु वॉज गाइडिंग कि कैसी मेरी बॉडी बननी चाहिए, कैसा मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बोन स्ट्रक्चर, स्पाइन्स कैसे होनी चाहिए, या मेरे हाथ पैर की बोन्स, मसल्स, जो भी बन रही थी, ऑर्गन्स बन रहे थे, तो वो किसने गाइड किया? डेफिनेटली देर हैज़ टू बी सम फोर्स, सम सबकॉन्शियस माइंड, मेरे ब्रेन का इतना पावरफुल होगा जिसने ये सारा कुछ गाइड किया होगा। एंड देन ही न्यू कि आर बॉडी रीजेनरेट्स। हाँ जी, हर 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर हमारे बॉडी के सारे सेल्स नए हो जाते हैं। रेगुलर पुराने सेल्स स्प्लीन डिस्कार्ड करती है और नए सेल्स वापस बनते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा कोई ऑर्गन अगर डिजीज्ड है, अगर लिवर फैटी लिवर हो गया है, या पैंक्रियाज में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो गया है, तो ये हील क्यों नहीं होता? वेल, उस टाइम उन्होंने सोचते सोचते ये एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी ब्रेन की पावर से ही अपने आप को हील करूँगा। जब उन्होंने ये बात डॉक्टर्स को बोली तो डॉक्टर्स ने कहा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, क्योंकि लेट हो गया तो शायद आपको पैरालिसिस का अटैक हो जाए और आप कभी ठीक भी ना हो सके। बट ही सेड नो, आई वॉन्ट टू यूज़ द ब्रेन पावर। उन्होंने रोज अपने ब्रेन को एक अल्फा स्टेट में लेके जाते और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देते विद फुल फेथ इन द यूनिवर्सल पावर एंड ऑन हिज ब्रेन पावर कि ये वापस मेरी बॉडी रीजनरेट करेगी मेरी स्पाइन को। 6 weeks passed by, there was no remarkable change. But as the few days passed, he started seeing changes happening, क्योंकि उन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा था। He had faith in the brain power. उनका ये मानना था कि जो ब्रेन मेरे हार्ट को कंटिन्यूसली चलाता है, जो मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक को चलाता है, जो मेरे लंग्स को हमेशा चलाता है, मुझे तो कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ती कि मुझे सांस लेना है, छोड़ना है, या मेरा ब्लड अभी इस पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, लेग्स में जा रहा है, जब वहाँ मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो वैसे ही उसी ब्रेन पावर से मैं अपनी स्पाइन को भी ठीक करूँगा। एंड ही स्टार्टेड having so much more faith in this whole thought process of my brain is superpower and it can bring in the changes. And 7th week showed a remarkable difference in his recovery. And it was difficult for the doctors to see when after 10th week he went to the hospital, he went walking. This was astounding and unbelievable for doctors,
And then Dr. Joe Dispenza now started working with all other patients that he started meeting. Patients had seen him, that how he was in a crushed state, how he had come on a stretcher, and now they saw that he could walk. This was so much a thought process for people who were suffering from cancer, who were suffering from paralysis, who were suffering from kidney ailments. They all started believing in this therapy, and he started working with them, and changes started happening. Just breaking the habit that we put ourselves in just because hume kisi doctor ne keh diya ki aapko diabetes ho gayi hai, ye bimari to la ilaj hai, ye aapko abhi heart ki problem hai, aapka blood pressure badh gaya hai, to ab aapne hamesha ek goli khani hai, ya aapko कोई भी प्रॉब्लम है, नी पेन है, आपकी टेल बोन में दर्द है, या फिर आपके घुटने दर्द होते हैं, आपको माइग्रेन है, तो अगर आपके किसी डॉक्टर ने ये कह दिया है कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो चेंज द डॉक्टर. यू नीड टू बिलीव दैट आई कैन ट्रीट माय ओन सेल्फ, माय ब्रेन इज माय बेस्ट डॉक्टर. And then get into this faith module, faith in the universe that created my body and is making my body work day in, day out without me doing anything. That same universal power can actually regenerate every organ of ours. Please share this video with all those people who are in need of help and who are ready to believe. So have firm belief that you can be healthy, because every second 10 crore new cells are generated in our body and 10 crore old cells are destroyed by spleen. Whatever the organ, whether it's a bone structure or the muscles or the organ, any organ of our body, be it liver, be it kidneys, every organ can be regenerated. We just need to change the way we think.